बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी संडे की रूटीन। और संडे का डे काफ़ी ज़्यादा बिजी था, और वैसे भी संडे को काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं करने के लिए। और आज जी हम लोगों ने जाना है बाहर, और यहाँ पर जी ये मैंने पालक वाले पराठे बनाए थे, सॉरी जस्ट फ्राई किए थे। ये मैं लेकर आई थी एजे से, और बस ये इसीलिए लेकर आई थी कि जब ऐसे मुझे कहीं जल्दी में जाना हो तो बस फिर ये बड़े क्विक वे से बन जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे, मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। इसके साथ में एक आलू वाले पराठे लाई थी, वो मुझे थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगे थे, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगे हैं। लेकिन बहरहाल अच्छे थे, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। और हम लोगों ने जाना था बाहर, और यहाँ पर जी आज हम लोग आए हुए हैं नॉटिंघम कैसल। और इधर जी मुझे आना था बहुत टाइम से, लेकिन बस कुछ बिजी रूटीन की वजह से नहीं आ सकी। और एक दफ़ा प्लान बनाया भी था आने का, लेकिन बस हम लोग किसी वजह से फिर रुक के फिर नहीं आ सके। लेकिन आज फाइनली हम लोग इधर आ गए, और माशाल्लाह से जी इब्राहिम ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और मेरे लास्ट व्लॉग पे सब लोगों ने कहा था कि अपनी डेली रूटीन शेयर किया करें, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूं और बच्चे भी दिखाऊं, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि इब्राहिम और इस्माइल को देखने आए हैं, प्रीमियर में बोल रहे थे। और बस आज सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी एक डेली रूटीन भी शेयर करूं, और ये बहुत प्यारी सी जगह है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मुझे तो ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो बस यहाँ पर जी इसकी ये मेन एंट्रेंस थी, और एंट्रेंस में जी ये इन्होंने यहाँ से टिकट बाय करना था। और टिकट जो था ये आई थिंक जी 20 पाउंड का था एडल्ट्स के लिए। तो बस यहाँ से जी ये हम लोगों ने टिकट लिया था, और टिकट में इसमें आप आगे कुछ केव्स आती हैं, आर्ट एंड गैलरी का सेक्शन है, और म्यूज़ियम है, साथ बच्चों का पार्क है। तो मीन्स कि वो 20 पाउंड में सब कुछ इंक्लूडेड है। तो बस जी यहाँ पर जी अभी हम लोग जा रहे थे, इंटर हुए हैं, और इब्राहिम यहाँ पर थोड़ा सा खुश भी था और डर भी रहा था, क्योंकि यहाँ पर कुछ केव्स वगैरह भी बने हुए थे, तो उससे चलते गुजरते हुए इब्राहिम थोड़ा सा डर रहा था, और मैं भी थोड़ी सी डर रही थी। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और आगे चल के मैं आप लोगों को और भी बहुत प्यारी प्यारी सी जगह दिखाऊंगी। मीन्स कि इनका जो आर्ट एंड गैलरी वाला सेक्शन था वो भी बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पर इन्होंने एक सेपरेट थोड़ी सी जगह बनाई हुई थी जो कि बच्चों के लिए थी, मीन्स कि इसमें कलरिंग वगैरह के लिए, और मीन्स कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो आराम से देख सकें और बच्चे जो हैं वो थोड़ी सी देर बैठ जाएँ। लेकिन हमारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं बैठते। खैर इब्राहिम वहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए बैठ गया था, वरना आज पूरा दिन ये जो है भागता ही रहा है, और बस इसको मैं पकड़ने की कोशिश हो रही है, भागता रहा है। पर अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, बहुत मज़ा आया है। और आप लोग भी पूरा व्लॉग देखें, और मुझे एंड पे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है।
तो इधर ही अभी हम लोग चलते हैं अभी घर वापस, और आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था, और खाना जी हम लोगों ने रास्ते में नहीं खाया था, और बस हम लोग लेकर घर आ गए थे। यहाँ पर जी इब्राहिम के लिए राइस थे और ये कुछ बिग सब्ज़ी कुछ बनी हुई थी, और बस अभी हम लोग अपना खाना खाते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, और इंशाल्लाह जी फिर आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। और आप सब लोगों के ढेर सारे प्यार के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह जी फिर मिलती हूँ अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में मुझे याद रखना और मेरी दुआ में